गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मेरी छुट्टी है काम से। सो अभी मैं उठ गई हूँ फटाफट से। विपुल काम पे चला गया है, उसको मैंने टिफिन पैक करके दे दिया है, घर का थोड़ा काम कर लिया है एंड नाउ आई एम फ्री। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमा जाए एंड आसपास कहीं जाया जाए, शॉपिंग की जाए, ग्रॉसरी की जाए। सो मैंने अभी ईस्टेट सेल ऐप चेक किया और यहाँ पे अभी मेरे नियर बाय एरिया में ही ईस्टेट सेल लगी हुई है। सो ईस्टेट सेल, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ क्या होती है। ईस्टेट सेल वो होती है जहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, लाइक एवरीथिंग। लाइक आपको कार भी मिल सकती है और टीवी मिल सकती है, फ्रिज मिल सकती है, वॉशिंग मशीन मिल सकती है, डाइनिंग टेबल, बेड, एवरी सिंगल थिंग आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, कोई मूव कर रहा है, किसी की डेथ हो जाती है तो उनका सामान ऐसे ही रह जाता है, तो वो लोग ईस्टेट सेल में उसे बेचते हैं अपना प्राइस लगा के। बट वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस होता है। आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाओ और चीज़ें खरीदने जाओ तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बट यहाँ पे आपको न्यू चीज़ें, नई की नई चीज़ें बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाती है। सो आज मैं आपको लेके चलती हूँ ईस्टेट सेल में, वो क्या होती है, कैसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग वहाँ से करी जब मैं यहाँ मूव हुई, क्योंकि ऑफकोर्स मैं यहाँ मूव हुई मैं कुछ भी इंडिया से सामान नहीं लाई थी, बेड तो ऑफकोर्स नहीं ला सकते थे। सो मैंने सारा सामान मेरा ईस्टेट सेल से लिया बिकॉज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया मुझे काफ़ी नया बेड एंड डाइनिंग टेबल वगैरह। सो मैं आपको लेके चलती हूँ ईस्टेट सेल में, बहुत ही घर के पास में है। सो चलिए फटाफट से चलते हैं। सो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं लोकेशन पे जहाँ पे सेल लगी है। मैं यहाँ पे पार्किंग ढूँढ रही थी तो पार्किंग मुझे मिल गई फाइनली। बहुत ज़्यादा फील्ड है यहाँ पे पार्किंग एंड आप कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आपको ऐसे नॉर्मली दिखता है यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, बट जहाँ पे भी आपको ये रेड मार्क दिखता है वहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते, नहीं तो टिकट मिल जाएगी। सो वो रहा ईस्टेट सेल का बोर्ड। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें इस सेल में। ये सब कुछ सेल पे है, सब पे प्राइस लिखा हुआ है। ये $5 का है पिलो एंड एवरीथिंग, बेडशीट्स। ये बेड भी सेल पे है, ये ड्रेसिंग टेबल भी सेल पे है, ये टीवी भी सेल पे है। एवरीथिंग इज ऑन सेल, जो भी घर में होता है सब ये लोग सेल पे लगाते हैं अपना प्राइस लगा के। ये $50 की टेबल है एंड आई डोंट नो बेड कितने का है, जो प्राइस लिखा हुआ है। ये $400 का है बेड। मोस्टली कभी कभी कपड़े भी मिल जाते हैं, ब्रांडेड न्यू कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, बट अभी यहाँ नहीं है कपड़े। मैं और आपको दूसरे कमरे भी दिखाती हूँ, उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
सो ये थी ई स्टेट सेल। आपने देखा ही होगा कितनी ऑसम और कितनी न्यू न्यू चीज़ें इतने अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड ये मेरे घर के पास में था तो मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा टाइम पास करने। मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारी घर की चीज़ें ऑलमोस्ट ख़रीद ली हैं और अभी कोई चीज़ की मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं लगी यहाँ पे। एंड काफ़ी अच्छी सेल थी। एंड जो भी अपना न्यूली घर बनाना चाहता है एंड ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो ई स्टेट सेल से सामान खरीद सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और काफ़ी नई चीज़ें आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। सो अभी ये मेरे घर के पास में सेल थी इसलिए मैं आ गई थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए यहाँ पे। एंड ऐसे ही काफ़ी सारी सेल हर वीक लगती रहती हैं, कभी पोर्ट वाइनी में, कभी भी कभी एलए में, कभी कहाँ पे। सो ओवरऑल आई थिंक सारे अमेरिका में ई स्टेट सेल लगती होगी। एंड बहुत बार हम लोग दूर दूर भी जाते हैं लाइक वेंचुरा साइड, कैमेरियो, सिमी वैली, थाउजेंड ओक्स। सो काफ़ी दूर दूर भी जाते हैं, हमारे पास एक ऐप है हम उसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ सेल लगी है नियर बाय, तो हम वहाँ जाके विज़िट करते हैं एंड सेल पे चले जाते हैं। और ये मोस्टली सेल जो होती है वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लगती है ताकि बहुत सारे लोग शॉपिंग कर सकें बिकॉज मोस्टली लोगों का वीकेंड होता है तो काफ़ी लोग शॉपिंग करने आते हैं एंड काफ़ी मज़ा आता है। लिटरली कुछ ना भी ख़रीदो ना तो लिटरली देखने में ही काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है और मज़ा आता है। सो या अभी हम जा रहे हैं फिर से घर की तरफ बिकॉज मुझे थोड़ा सा घर का काम करना है, प्लस मेरी जो अपार्टमेंट में गैराज की दिक्कत हो रही है, कार मुझे जहाँ पार्क करनी है वो मैं उनसे बात करूँगी गैराज के लिए। सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देन हम आई थिंक ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएंगे थोड़ा घर का काम वाम करने के बाद। सो कीप ऑन वॉचिंग। घर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले ग्रॉसरी शॉपिंग की जाए, तो मैं आई हूँ एलडी। एलडी इज़ लाइक मोस्ट अफोर्डेबल ग्रॉसरी स्टोर एंड मेरा फेवरेट स्टोर है। सो यहाँ से हम लोग सब्जी वगैरह एंड थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे। मैं एवरी वीक ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ, वीकली शॉपिंग करनी पड़ती है बिकॉज़ टाइम नहीं मिलता और जब भी मेरा डे ऑफ होता है तो मैं जाके ग्रॉसरी कर लेती हूँ। एंड अब हम बिल करवा रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई बॉट फ्रॉम एलडी। अब मैं फटाफट से सारा सामान कार में मूव करूँगी एंड देन वी आर गोइंग बैक टू होम। एंड घर जाके थोड़ी बहुत सफाई करके मैं आपको हाउस टूर करवाऊँगी। सो पहले मैं अपनी दादी के घर रह रही थी जब मैं USA आई थी और मैंने दादी के घर का व्लॉग भी आप शूट किया था एंड पोस्ट किया था अपने यूट्यूब पे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो या पहले मैं दादी के साथ रह रही थी, हम लोग दादी के साथ रह रहे थे एंड मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो हमने मूव कर लिया है, हमें बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल गया है। सो आज मैं आपको हाउस टूर कराऊंगी कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस अपार्टमेंट। सो लेट्स गो। फाइनली आई एम एट होम। आई एम सो मच टायर्ड, मतलब इतना जॉब में भी नहीं थकती जितना मैं लिटरली घर के सामान लाने में और ड्राइविंग करने में और घर के काम करने में थक जाती हूँ। लिटरली इतना सारा सामान मैं उठा के लेके आई हूँ, वो मेरी शर्ट है, मैंने फेंकती है बिकॉज मेरे घर का हाल ऑलरेडी बहुत बुरा हो रहा है, इस बैग में बहुत सारे सामान है। एंड अभी आपको किचन की हालत दिखाती हूँ मैं। दिस इज माई किचन नाउ, पूरी हालत ख़राब कर रखी है मैंने घर की। लाइक ये मंजेवे बर्तन हैं बट मुझे इन्हें सेट करना है इसलिए मैंने अभी सेट ही नहीं किया कल उनको, बिकॉज मैं इनको प्रॉपरली वो जो एरिया है उसे क्लीन करके देन वापस ढंग से सारी चीज़ें रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कल सेट ही नहीं किया। और सुबह से मैं घूम रही हूँ, घूम नहीं रही हूँ लाइक शॉपिंग कर रही हूँ, ग्रॉसरी भी लाना ज़रूरी होती है लाइक वीकली या फिर 15 डेज में ताकि रोज़ रोज़ जाना ना पड़े सामान लेने के लिए। भाई मैं अपने फ्रिज में सारे सामान जो भी लेके आई हूँ मैं रख दूँगी अच्छे से, बट उससे पहले मुझे कपड़े धोने हैं तो अभी मैं जाऊँगी। सारे कपड़े मैंने साइड कर दिए धोने वाले, अभी जाऊंगी बाहर और धो के आऊंगी। घर में लॉन्ड्री नहीं है यहाँ पे, मेरे बिल्कुल घर के पास में ही सारा वॉशिंग एरिया है, वहाँ मैं जाऊंगी एंड सारे कपड़े धोऊंगी। जब तक वो धुलेंगे कपड़े तब तक मैं यहाँ पे अपना सारा काम निपटा दूंगी। सो जो अपार्टमेंट होते हैं उनमें सारी चीज़ें होती है लाइक लॉन्ड्री रूम, जिम, पूल, एवरीथिंग। सो अभी हम आए हैं घर के बिल्कुल लाइक
पास में ही है लॉन्ड्री रूम, तो मैं जस्ट वॉक करके आ गई अपने कपड़ों के साथ. एंड दिस इज़ द मशीन, ये मैं अपने फ़ोन से, फ़ोन में एक ऐप है उससे यूज़ करती हूँ एंड पे करती हूँ वहीं से. यू कैन इवन यूज़ द कॉइन्स, बट ये ज़्यादा ईजी रहता है. तो अब जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन है तो प्रॉब्लम नहीं होती. ये ड्राइंग मशीन एरिया साइड है एंड ये वॉशिंग एरिया साइड है, तो काफ़ी ईजीली कपड़े धुल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. पहले करेंगे थोड़ी पेट पूजा, फिर करेंगे सारा काम दूजा. 30 मिनट्स में कपड़े सारे धुल गए हैं, अब हम इसे ड्राई करेंगे. ड्राई करने के लिए 1 घंटा लगता है. फाइनली शाम के 6 बज गए हैं और घर का सारा काम हो गया है. अब मैं आपको अपना हाउस टूर करवाती हूँ. तो ये है हमारा अपार्टमेंट, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. एंड ये है हमारा फ्रेंड यकली. हाय यकली, हाय. अपार्टमेंट के बाहर का एरिया, यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, अपर फ्लोर भी है और लोअर फ्लोर भी है यहाँ पे. एंड 2 फ्लोर की अपार्टमेंट्स हैं. सो मैं रहती हूँ नीचे वाले अपार्टमेंट में. एंड अब हम दिखाऊंगी मैं आपको अपना घर. उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ. ये पूल है, यहाँ पे सारे बच्चे नहा रहे हैं. एंड सच अ ब्यूटीफुल वाइब. दिस इज माय अपार्टमेंट. तो फटाफट से गेट के अंदर घुसते ही, लाल दरवाजे के अंदर घुसते ही हमारा कमरा आ जाता है. सो दिस इज माय ब्यूटीफुल रूम. ये बेड है एंड यहाँ पे फैंस नहीं होते, इवन लाइट भी नहीं थी. लाइट हमने इंस्टॉल करवाई है एंड फैन की जगह हमने ये टेबल फैन रखा है. सो हम रात को ये यूज़ करते हैं. ज़्यादा गर्मी होती नहीं है इधर, तो इतनी पंखे की ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो हम टेबल फ़ैन यूज़ करते हैं. अभी थोड़ी सी गर्मी है तो अभी 2 फैंस यूज़ करने पड़ रहे हैं हमको, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ठंडा मौसम ही रहता है तो पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. जस्ट सफोकेशन ना हो रूम में एंड थोड़ा सा वेंटिलेशन होता रहे, तो थोड़ा सा हम लोग फ़ैन चला देते हैं. और इंडियंस को फैंस की ऑफकोर्स ज़रूरत होती ही है. बिना फ़ैन की आवाज़ के बिना नींद ही नहीं आती. आई डोंट नो व्हाई. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा. आज मैं आपको स्ट्रे सेल में लेके गई थी. मैंने ये बेड भी स्ट्रे सेल से ही ख़रीदा है. ये एकदम न्यू बेड है. इसमें साइड टेबल भी हमको साथ में मिली है दोनों साइड की. एंड ये बेड है, ये मेरे रूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मैंने ये बेड खरीदा. प्लस इसमें जो गद्दे हैं वो भी साथ में आए थे और बिल्कुल बिल्कुल न्यू था ये बेड, इसलिए मैंने खरीद लिया. तो ये बेड मैंने खरीदा है वहीं से ही. एंड ये फैन तो मेरे दादी के घर से ही मैंने ले लिया था, उनसे ही. सो यस, दिस इज़ माई बेड एंड दिस इज़ माई बेडरूम. मेरी साइड टेबल पे है मेरी फैमिली पिक्चर एंड माई लिटिल बिट मेकअप स्टफ. एंड ये है बड़ी सी खिड़की जहाँ से बहुत जैसे बाहर का व्यू दिखता है, बट हम हमेशा इसे बंद रखते हैं बिकॉज अंदर सारा कुछ दिखता है. सो ये है रूम एंड ये है मेरा क्लॉजेट. बहुत ही बड़ा क्लॉजेट है, बहुत ही स्पेशियस है, जिसमें हमने अपने सारे कपड़े रख रखे हैं. मेरे और विपुल के दोनों के कपड़े इसी में ही हैं. ऊपर थोड़ा सा मैंने बैग्स वगैरह रख दी हैं. सो या, दिस इज़ माय क्लॉजेट. अब बाहर जाते ही हमें दिखता है ये रेस्ट रूम विद बाथ टब. और ये पूरा रेस्ट रूम है हमारा सुंदर सा. सो नेक्स्ट इज थोड़ा आगे चलते ही हमारा है किचन, जिसमें फ्रिज ऑलरेडी अपार्टमेंट वालों ने प्रोवाइड करवाई थी. एंड इसमें ओवन भी है हमारे पास एंड चिमनी भी है. एंड ये सारे क्लॉजेट हैं किचन के, जिसमें सारे सामान मैंने अच्छे से जमा रखे हैं. सो या, सम इंडियन मसालेज एंड दाल वगैरह. और अभी मैंने डिशेस करी है. सो दिस इज़ माय ओपन किचन. एंड ये आ जाता है हमारा हॉल.
यहाँ पे मैंने अपना शू रैक रख रखा है, डस्टबिन रख रखा है, एंड पेंटिंग्स, सोफ़ा एंड सारी चीज़ें मैंने यहाँ हॉल में रख रखी हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड फूड भी रखा है मैंने, क्योंकि मैं बर्ड्स को खाना खिलाने जाती हूँ। एंड ये है छोटा सा हमारा डाइनिंग टेबल जो कि बहुत ही क्यूट है, हमें ये मैंने सेल से लिया है एंड काफ़ी आपको दिख रहा होगा एकदम नया का नया एंड बिल्कुल न्यू है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल गया मुझे। एंड दिस इज़ द वाटर सिस्टम, यहाँ पानी बाहर से भरना पड़ता है तो हमने ये सिस्टम सेट कर रखा है पानी का। एंड ये मिरर भी अभी मैंने न्यू परचेस किया है, बट मुझे कोई स्पेस नहीं मिली तो मैंने अभी इसे यहीं रख रखा है। अब दिखाती हूँ मेरा सबसे स्पेशल एरिया जो कि है मंदिर। सबसे पहले जब मैं अपार्टमेंट मूव किया था तो सबसे पहले मैंने अपना मंदिर सेट किया था जो कि बहुत ही सुंदर है एंड यहाँ पे हम पूजा करते हैं। We have a backyard as well, जहाँ पे हम शाम की चाय पीते हैं। काफ़ी सुंदर बैकयार्ड है जिसे मैंने ग्रास लगा रखी, ग्रास वाला कारपेट मैंने लगाया है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। एंड ये पेड़ वगैरह, एंड यहाँ से हमें पूल का व्यू आता है। एंड ये टेबल्स हैं, हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में। सो या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बैकयार्ड। मैंने बैकयार्ड वाला इसलिए प्रेफर किया क्योंकि बहुत शोर था तो हम अंदर आ गए, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पूल में। सो मैंने बैकयार्ड वाला और नीचे वाला अपार्टमेंट इसलिए प्रेफर किया क्योंकि एक तो मेरी दादी हैं और वो कभी कभी अगर मेरे अपार्टमेंट आती हैं तो वो ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है, तो कभी भी वो आए तो उनको कभी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने नीचे का अपार्टमेंट लिया है। एंड बैकयार्ड है तो मुझे बैकयार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बैकयार्ड वाला अपार्टमेंट लिया है। प्लस इन फ्यूचर कभी भी पाब्लो आता है हमारे पास बहुत जल्दी, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पास जल्द से जल्द आए, तो बैकयार्ड उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बैकयार्ड वाला अपार्टमेंट लिया है। एंड दिस इज़ अ रियली क्यूट एंड स्मॉल अपार्टमेंट और काफ़ी सफिशिएंट है हम दोनों के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा है अपार्टमेंट। एंड बाहर भी काफ़ी सुंदर व्यू है अपार्टमेंट का। वी ऑल्सो हैव दिस क्लॉजेट, ये बाहर क्लॉजेट है थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो मैंने काफ़ी सारा सामान इधर भी रखा हुआ है, थोड़े झाड़ू वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने रख रखे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। सो या गाइस, आई होप यू लाइक माई अपार्टमेंट। एंड इसे मैंने अभी इतना ज़्यादा डेकोरेट करा नहीं है बिकॉज इट्स अ रेंटल अपार्टमेंट, मैं ज़्यादा यू नो दीवारों पर कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। और मैं कुछ चीज़ें ला सकती हूँ टेम्प्ररी जो मैं दीवार पे लगा सकती हूँ, दीवार ख़राब भी ना हो, बट इतना टाइम किसके पास है। सो हमें थोड़े बहुत महीने अपने निकालने हैं यहाँ पे बिकॉज दिस अपार्टमेंट इज़ कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली है ये अपार्टमेंट। हमें जल्दी मूव करना था इसलिए हम यहाँ पे मूव हो गए, एंड ये काफ़ी सुंदर अपार्टमेंट भी है बट थोड़ा कॉस्टली है। सो हम कुछ समय यहाँ पे रहेंगे एंड देन अपना अपार्टमेंट मूव करेंगे कहीं और जो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो हमारे बजट के अकॉर्डिंग। सो अभी एटलीस्ट हमें 14 मंथ्स यहाँ पे निकालने हैं, 3 मंथ जिसमें से निकल चुके हैं हमारे। एंड या इट्स ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर रह के। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप टू सी यू सून विद अनादर व्लॉग। टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।